हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा सम, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड सबट्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे ये जो सारे दिया हुआ सिक्स नंबर की और जो सेवन नंबर तक की जो है सीट रीनेम करना, वो भी हम लोग सीखेंगे। हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा आसान रहे। पिछले वीडियो में हमने सम और एडिशन का सीखा था, इजी तरीका। आज हम सीखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की जो एडिशन आते हैं। मान लीजिए 25, 20, 30, 23, 20, 50, 60। अभी कुछ नंबर हम ले लेते हैं रैंडम प्रोडक्ट के लिए, कैसे करना है। तो यहाँ पे 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57,
सेवन। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते थे, अगर इस केस में सम करना है तो ये सारे जो सेल के नंबर है, मान लीजिए ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, सबको इंडिविजुअली ऐड करते हैं, राइट, इक्वल देख के, ऐसे करके प्लस करके ऐसे। फिर हम लोग एंटर करके ऐड करते हैं, जो सिलेक्टेड नंबर है उसकी एडिशन 208 यहाँ पर आ जा रहा था। बट हम लोग ये तरीका नहीं आजमाएंगे, हम लोग आज दूसरे तरीके एकदम। और एक चीज़ थी जो हम लोग करते थे, इक्वल टू साइन देकर सम लिख के ब्रैकेट में नंबर को ऐसे कॉमा डाल के ऐसे कंटिन्यू करता था, राइट। तो हम ए थ्री ए फोर ऐसे करते, अगर ए थ्री ए टू से ए फोर तक की ऐड करते हैं तो यहाँ पे 12 आएगा। बट अगर लार्ज नंबर है, मतलब बहुत सारे नंबर है, सबको ऐड करना होगा और वो पर्टिकुलरली एक रेंज से रेंज तक ख़त्म हुआ है, तो हम लोग ए टू से ए सेवन ऐसे सेलेक्ट करके सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो वो वैल्यू आ जाए। प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग इसी तरीके की यूज़ करेंगे, इस तरह का प्रोडक्ट लिख कर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइप कर जो रेंज है उनको सेलेक्ट करेंगे बी टू से B7 तक और एंट्री कर दे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम लोग सीखेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे भी जितने भी टेक्स्ट हैं और नंबर है इनका फॉन्ट फॉर्मेट हम लोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे जो कैलिपी लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट टेक्स्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे और उसको एंट्री करेंगे तो इस टाइप की फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाए, या फिर कोई दूसरा कोई भी फॉर्मेट जो आपको ज़रूरत हो, आपकी नीड के बेसिस पे कोई भी स्टाइल जो आपको यहाँ पे मिल जाए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो मैंने वही किया। अब टेक्स्ट साइज यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप ले सकते हैं उनको, पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टेक्स्ट साइज को चेंज कर सकते हैं कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे 20 किया, या फिर यहाँ से भी टेक्स्ट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने इंक्रीज किया यहाँ पे डिक्रीज, राइट। अब हमें चाहिए बोल्ड,
तो हम लोग बी पे क्लिक करेंगे, जो फॉन्ट के अंदर आते हैं, हमें ज़रूरत है इटालिक की, तो आई पे क्लिक करेंगे, हमें अंडरलाइन ज़रूरत है टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट या नंबर जिसके भी नीचे, तो वहाँ पे अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें अगर उस सेल को बॉर्डर करना चाहिए तो बॉर्डर भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से जितने भी है ए बी सी कलम और रो नंबर 8 तक अगर करना चाहते हैं बॉर्डर, तो यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज राइट। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो कोई भी सेल की कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेल कलर को ब्लू दिया, लाइट ब्लू टाइप के बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है इसमें टेक्स्ट की कलर चेंज होती है, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक में टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट को मैं कुछ और कलर में देख सकते हैं सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो मोर कलर में जाइए, वहाँ से आप अपने कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने तरीके के हिसाब से आप कलर लीजिए और उसको वहाँ पे एडिट करें। तो हमने चेंज द कलर ऑफ सेल बता दिया आपको, यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। ओके अब करेंसी इन सिंबल, यहाँ पे देखिए अभी जो नंबर है वो आपको देख के पता चल रहा है कि ये सारा नंबर सिर्फ एक डिफाइंड नंबर है, बट इसको हम अमाउंट के हिसाब से नहीं डिफाइन कर सकते, बट यहाँ पे अगर करेंसी सिंबल दिया जाए तो उसको अमाउंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे जनरल ऑप्शन पे जाएंगे, अगर करेंसी क्लिक करेंगे तो सब में करेंसी आ जाएगा। ओके अब अगर आप जीरो इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं ठीक है। अब हमें मल्टीपल सेल मर्ज करना हो तो कैसे मर्ज करें, मान लीजिए मैंने डी से जी तक जितनी भी सेल है उसको मर्ज करना है और वो सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे मर्ज ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज इन सेंटर नहीं करना है, मर्ज अक्रॉस करना है वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अनमर्ज करना है तो अनमर्ज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे मर्ज इन सेंटर कर सकते हैं राइट। अब मान लीजिए मुझे ये फॉन्ट, और पहले तो ये मैं अनडू कर देता हूँ, अगर फॉन्ट और कोई एक दो तीन सेल को मुझे मर्ज करना होगा तो मैं ऐसे मर्ज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे भी आप अगर वही सेम तरीका आजमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। ओके अगर 1:1 करना है तो ऐसा मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेम तरीका करना है, ये यहाँ पे जो है फॉर्मेट पेंटर इसको सिलेक्ट करके, अब अगर ये वाला सिलेक्ट करिए मार्ज सेल और ये नीचे साथ में डालेंगे तो सेम तरीका यहाँ पे भी होगा, ये भी एक तरीका है फॉर्मेट सेल पे किसी भी सेल को फॉर्मेट पेंटर यूज़ करने से हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ और अपलोड कर सकूँ, और सही से आप लोगों के लिए एक्सेल की थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।